हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपको प्रतिशत सिखा रहा हूं और ये हमारा आज है पार्ट 6। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है, यानी एक सेल्समैन कुल जितना भी बिक्री करता है यानी सामान बेच के जो पैसे पाता है उसे बिक्री कहते हैं। तो कुल बिक्री का 12% वो उसे कमीशन मिलता है और 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर, यानी उसने अगर 15,000 से ज्यादा बिक्री कर दी तो उस पर उसे 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपए हो तो कुल बिक्री याद करो, ठीक है। तो बड़ा ही अजीब क्वेश्चन है, इसको पहले हम एक्स मान के करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे, माना कुल बिक्री एक्स है, ठीक है। तो उसे कमीशन कितना मिलेगा? तो कमीशन यानी कुल बिक्री पे 12% कमीशन मिलेगा, तो कमीशन मिलेगा एक्स पर 12%। तो एक्स को 12% हो जाएगा 12/100, यानी हो जाएगा 12x/100, ठीक है। और बोनस कितना मिलेगा? तो बोनस मिलेगा कि जो कुल बिक्री है एक्स और 15,000 से ज्यादा, तो इसमें से 15,000 कम कर दो, ठीक है। तो कुल बिक्री एक्स रुपए मान लिया ना, तो उसमें से हमने 15,000 कम कर दिया तो उससे हो गया ज्यादा। तो 15,000 से ऊपर यानी ज्यादा की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है, तो इस पे 1% हो जाएगा 1/100, ठीक है ना। तो अब ये हो गया आपका बोनस और कमीशन, ये दोनों उसको मिलेगा। और ये दोनों मिलाकर, तो लिखा ना अगर सेल्समैन की कुल आमदनी, तो कुल आमदनी ये दोनों मिला के हो जाएगा इतने रुपए, तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 12x/100 कमीशन और जमा एक्स माइनस 1500 और गुना 1/100, तो ये दोनों मिलाकर उसे कितना मिलता है? 7,650 रुपए, ठीक है। अब हमें इसे सोल्व करना है, तो ये कमीशन और ये बोनस ये दोनों मिलकर इतना हो गया। कुल बिक्री पे 12% कमीशन और 15,000 से ऊपर होगा तो 1% बोनस और बराबर ये अभी समीकरण बन गया, ये सोल्व हो जाएगा। तो 12x/100 ये इधर गुना जाएगा तो 1/100 और ये इधर गुना जाएगा तो 15,000/100 बराबर हो जाएगा 7,650। ये यहाँ पे जुड़ जाएगा 12 और ये 1 13, तो 13x/100 और घटा ये कट जाएगा 150, तो घटा 150 बराबर में इतना हो जाएगा, ठीक है। और घटा का 150 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो 13x/100 बराबर 7,650 और जमा 150, 150 ऐड करने से 7,800 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 13x, तो बटे में 100 था तो गुना हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 7,800 गुना में 100 और बटे में 13, तो कट जाएगा 13×6 78, तो 6 1 2 3 4 यानी 60,000 रुपए। तो कुल बिक्री कितनी आ जाएगी? तो कुल बिक्री आ जाएगी 60,000 रुपए, ठीक है। तो ये था काफी लंबा मेथड। एक मेथड और होता है जिससे इस क्वेश्चनों को किया जा सके, ठीक है। तो वो मेथड क्या होता है तो देखते हैं उसको। तो वो ऐसे होता है कि दूसरा मेथड, ठीक है, 15,000 रुपए यहां लिख देंगे, ठीक है ना, दो बार 15,000। तो 15,000 पर उसे कितना, मतलब कमीशन कितना मिल रहा था, उस कमीशन को यहां लिख देंगे, ठीक है। कमीशन को यहां लिख देंगे कि 12% कमीशन, और 15,000 से ऊपर पे उसे कितना मिल रहा था, तो 1% कमीशन और 1% बोनस, तो यानी 12 और 1 13 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। कमीशन 12 और कमीशन बोनस मिलाकर 13%। तो अब मान लेंगे कि अगर वह सारी बिक्री पर 13% कमीशन हो तो सेल्समैन को 15,000 पर 1% का
अतिरिक्त अतिरिक्त फायदा होगा। मान लेते हैं कि 15,000 पर जो 13% मिलेगा, तो जब 15,000 पे 13% लगा देंगे तो उसे 15,000 पर 1% एक्स्ट्रा का फायदा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हम मान लेंगे। तो 15,000 जो था तो उसी पर पहले हम 1% का फायदा यानी 1/100 निकालेंगे, तो ये कट के आ जाएगा 150 रुपए का फायदा, ठीक है, 150 रुपए आ गया, ये 150 रुपए आ गया, ठीक है, ये रुपए है। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे कि अब उसकी आमदनी, तो पर्सन में तो कहा था कि उसकी आमदनी 7,000 कितना है, 7,650। अब 150 रुपए का और हम एक्स्ट्रा मान लेंगे तो हो गया 7,800, ठीक है, तो 7,800 उसकी आमदनी अब आ गया, तो कुल बिक्री का 13% है ये, तो ये 7,800 कितना है, कुल बिक्री का 13% बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि 150 रुपए में हमने 1% एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, तो कुल बिक्री का ये 13 है, तो कुल बिक्री एक्स है, तो एक्स का 13% 13/100 बराबर हो जाएगा इतना, तो एक्स बराबर 7,800 × 100 और ये बटे में जाएगा 13, काट देंगे तो कुल बिक्री 60,000, ठीक है, तो इस प्रकार भी करा जा सकता है। कैसे किया समझे, जो वो कहेगा ना कि 15,000 जो अतिरिक्त बिक्री पे इतना कमीशन या बोनस मिलेगा, तो उस 15,000 पे 12% कमीशन और 1% बोनस लगा के 13% ले लेंगे, तो कुल 13% पर सेल्समैन को कितना, तो 1% का फायदा होगा 15,000 पर, तो वो 15,000 का जो फायदा हो रहा है, जो एक्स्ट्रा बोनस दिया रहेगा वो निकाल लेंगे 150, और अब आदमी की या सेल्समैन की कुल आमदनी हो जाएगा जुड़कर 78, और ये 13% यानी जो बोनस जुड़ गया था उसके बराबर होगा, 13% निकाल लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 60,000। सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन है ये, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ज्यादा की बिक्री पर 1% बोनस अतिरिक्त मिलता है, अगर उसकी कुल आय 6,800 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो, ठीक है, तो इसको हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी समझाया था, तो जो 20,000 से ज्यादा वाली बिक्री है इसको ले लेंगे, ठीक है, तो इस पे इसे कमीशन मिलेगा 9% और इस पे इसे मिलेगा 1% अतिरिक्त बोनस यानी 10% मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो 20,000 है ना, इसका हम एक कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, 1% एक्स्ट्रा है, तो 1% निकाल लेंगे कितना होता है, तो 1% होता है 200 रुपए, तो अब ना उसकी आय कितनी हो जाएगी, सेल्समैन की आय, तो आमदनी कितनी जाएगी, तो 6,800 पहले था, 200 रुपए एक फायदा हो जाएगा उसे 1% अगर 10 मिलने लगे तो, ठीक है, तो उसको जोड़ने से हो जाएगा 7,000 रुपए आमदनी हो गया, तो अब उसकी कुल बिक्री हम पता कर लेंगे, तो कुल बिक्री गुना, तो ये जो प्रतिशत दिया रहेगा 10% निकाल लेंगे, तो बराबर 7,000, 10% कितना होता है, 10/100, कुल बिक्री एक्स मान लेंगे, ठीक है, बराबर 7,000, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जाएगा 70,000 रुपए, ठीक है, तो कुल बिक्री हो गई 70,000। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का मतलब 5/2 यानी 12.5% कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे 0.5% यानी 6% हो जाएगा ना, तो 0.5% बोनस मिलता है, अगर उसकी कुल आए अगर उसकी कुल आए तो कितनी दे रखी है, तो अगर उसकी कुल आए 1990 है, ठीक है, 1990 है, तो कुल बिक्री ज्ञात करो, सेम ऐसी करेंगे, 10,000 रुपए से जो ये ऊपर दिया होता है इसको हम दो बार लिख लेंगे, इस पे पहले 5.5% और ये 0.5% मिलाकर हो जाएगा, ये 5.5 में 0.5 मिलाने से ये हो जाएगा 6%, ठीक है, तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 0.5% की बढ़ोतरी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 10,000 का 0.5% यानी 1/2 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 रुपए, ठीक है, तो ये हो गया 50 रुपए का फायदा, तो अब उसकी आय क्या हो जाएगी, अब उसकी आय तो 1990 तो मिल ही रहा था, 50 और मिल जाएगा, तो 2040,
अब ये जो 2040 से ये कुल बिक्री का 6% है, तो कुल बिक्री का 6% कहलाएगा 2040। 6% होता है 6/100, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स मान के, ठीक है। तो 2040 गुना में 100 और ये हो जाएगा 6, ये अब कट जाएगा तो ये हो जाएगा 34,000 रूपए, ठीक है। तो 34,000 रूपए की बिक्री हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च समान रहे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं परीक्षाओं में, तो इसको एक बार सीखने की जरूरत है, फिर ये होने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे तरीका अपनाते हैं कि यहाँ लिखते हैं कीमत, तो चीनी कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो पहले सोचेंगे कि जो 20% है उसे कैसे लिखते हैं, तो 20/100 इसे काटेंगे तो 1/5, यानी नीचे वाला क्या है 5 और ऊपर 20% बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 और 1 6, तो पहले कीमत थी 5 रूपये और अब हो गई कितनी 6 रूपये, क्योंकि 20% बढ़ गया, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम यहाँ लिख देंगे ऊपर, ठीक है। तो 5 × 6 LCM 30 आएगा, ठीक है, ये एलसीएम है, एलसीएम गुना हो जाते हैं बस, 5 × 6 30, ठीक है। अगर ये अलग अलग आभार संख्याएं हैं तो, ठीक है, अलग अलग हैं तो। अब यहाँ पे खपत कैसे निकालेंगे, तो इस 5 का पहाड़ा पड़ेंगे कि ये 30 आता हो, तो 6 बार में तो 6 किलो खपत हो जाएगा, और 6 के पहाड़े में 30 5 बार आता है तो 5 किलो खपत हो जाएगा, ठीक है। तो 6 किलो पहले खपत थी और 5 किलो जब कीमत बढ़ जाएगी तब होगा, क्योंकि खपत कम हो जाएगा, कीमत बढ़ेगा खपत कम हो जाएगा, दोनों में उल्टा रिलेशन। तो हम देख रहे हैं कि कीमत क्या हो गया, 1 रूपये बढ़ गया, तो कीमत 1 रूपये बढ़ गया, तो कीमत जब 1 रूपये बढ़ गया, ठीक है, तो मतलब उछाल आया ना, कीमत में उछाल आया, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, तो खपत में कमी करनी पड़ेगी, तो इसके बटे में हम 6 ले लेंगे, यानी ये नया वाला कीमत, ठीक है, और गुना में प्रतिशत 100, इसको अब काटेंगे तो 100/6, 6 से कट जाएगा, ये 6 × 6 6 6 36 और ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो 16/2/3%, ठीक है, तो इतने की क्या आ जाएगी, खपत में कमी आ जाएगी, ठीक है, तो खपत में कमी पता चल जाएगी इससे, ठीक है। दोबारा समझे, पहले कीमत जो है ना ये 20% को अपना 1/5 लिखना है, 5 यहाँ, ये कीमत बढ़ रही है तो यहाँ पे हम 6 ले लेंगे, इनका एलसीएम यहाँ ले लेंगे, खपत निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे कि खपत में कमी पता करना है, तो खपत क्या है, अच्छा यहाँ देखना था, तो खपत में क्या है कि कमी हो गई ना एक की, तो एक ऊपर कमी है ना, तो -1 ऊपर, और कितने की तुलना में 6, पहले 6 की तुलना में, तो यहाँ 6 लेना था, ठीक है, अगुना 100 और ये निकल जाएगा खपत में कमी, ठीक है। और इसे ऐसे भी एक, इससे भी एक थोड़ा आसान तरीका होता है, वो ये होता है कि मान लेंगे कि पहले जो खर्च होता था वो 100 होता था, ठीक है, 100 खर्च होता था, तो अब खर्च अगर 100 होता था तो 20% मतलब कीमत बढ़ गया, तो अब नया खर्च क्या हो जाएगा, तो नया खर्च हो जाएगा अब 120, ठीक है, 100 में 20% बढ़ गया तो 120 हो जाएगा, तो अगर ये 120 हो गया तो पहले पे वापस जाना है, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो 20 रूपये की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो 20 रूपये की कमी करनी पड़ेगी, तो -20 और बटे में, तो 20 की कमी करनी पड़ेगी किसके मुकाबले, इसके मुकाबले नए वाले पे, तो नया वाला हो जाएगा 120 और गुना 100, तो ये अब कट जाएगा आपका, और ये भी आपका 16/2/30% की कमी बताएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि हमें ना एक जो समान रखने के लिए यानी खर्च को समान रखने के लिए 20 की कमी करनी पड़ेगी, जितना खर्चा कम करेंगे खपत भी उतनी ही कम होगी,
देखो क्या होगा कि सामान रखना है हमें, यानी खर्च हमें 100 ही रखना है, ठीक है। तो 100 रखने के लिए 20 की कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि नई कीमत तो 120 मांग रहा है, तो हमें वापस 100 पे जाना है, तो 20 की कमी करनी पड़ेगी। और जितना खर्चा हम कम करेंगे तो खपत भी उतनी ही कम होगी। तो हमें 20 की जो कमी हो रही है वो 120 पे करनी पड़ेगी कमी। तो 120 को नीचे लेके निकालेंगे तो आपका ये निकल जाएगा। अगला समझते हैं, चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई। चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे। इसमें हम क्या करेंगे, तो चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, तो हम मान लेंगे कि 100 रुपए जो है वो खर्च था, तो चीनी की कीमत में, चीनी कीमत 100 मान लेंगे, ठीक है। तो चीनी कीमत में 30% कमी आ गई, तो 30% कमी आ गई तो अब कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। तो 70 हो गई, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे कितने की कमी हो गई, 70 कमी हो गई, तो हमें पहले पे जाना है, तो यानी कितना 30 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। वहां घटाना पड़ा था पिछले में, यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें 30 बढ़ाना पड़ेगा, किस पे, इस 70 पे बढ़ाना पड़ेगा, और गुना 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 से 0 कट गया, 300/7, इसको 7 से भाग दे देंगे, 7 चौक 28, 7 × 14, 7 × 7 = 14, 6/7%, ठीक है। तो इतने बढ़ाना पड़ेगा, तो इतनी बढ़ानी पड़ेगी खर्च, ठीक है, खपत या खर्च जो है इतना बढ़ाना पड़ेगा। खर्च क्या मान लेंगे, 100, तो 100 रुपए खर्च है, तो 30% कीमत कम होगी, तो ये 70 आ जाएगा, तो हमें वापस उसी पे जाना है, तो 30 बढ़ाना पड़ेगा, 30 बढ़ाना पड़ेगा 70 के मुकाबले, और गुना 100, तो ये आपका आंसर दे देगा। चीनी की कीमत 30% घट गई, तो यानी मान लेते हैं कि 100 था और 30% घट गई तो 70 हो गया, ठीक है। तो चीनी की कीमत 30% घट गई और खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% कमी आए, यानी ये जो खर्च है इसमें 10% कमी आए, तो 10% कमी यानी 90 पे आ जाए, तो यानी चीनी की कीमत 30% घट गई यानी ये 70 हो गई, और खपत में कितने परसेंट वृद्धि की जाए यानी इसको कितना बढ़ाया जाए कि खर्च में केवल 10% कमी आए, यानी 10% कमी आए यानी 90 हो जाए, और 70 को ऐसे बढ़ाया जाए कि 10% कम होकर 90 हो जाए, तो यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 किसके मुकाबले बढ़ाना पड़ेगा, 70, पहले वाले पे जाने के लिए 70 लिखते हैं, गुना 100, तो ये आपका आंसर दे देगा, 28 सही 4/7% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हुई, मान लेते हैं कि खर्च था 100, तो 20% वृद्धि हो गई तो कितना जाएगा, 120, ठीक है, 100 था तो 120, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े, यानी जो ये खर्च है ये 5% बढ़ जाए, तो यानी 105 हो जाए, तो इस खपत में कितने की कमी की जाए, सॉरी खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता हो, शुरू में वो 280 किलोग्राम खपत करता हो। तो हमने देखा कि ये कीमत बढ़ गया, खर्च भी बढ़ाना है 5%, तो 20 से 105 पे जाने के लिए कितना बढ़ाना होगा, 15 बढ़ाना होगा, मतलब इसमें ऐसे सोचेंगे कि इनमें कितने का कमी की जाए, खपत में कितनी कमी की जाए, तो कमी पूछ रहा है ना, तो यहाँ 120 है तो हमें 105 पे जाना है, तो कितने की, 15 की कमी करनी होगी, तो 15 की कमी करनी होगी कितने के मुकाबले, 120 के मुकाबले, यानी इसके, और गुना 100, तो ये आपका आ जाएगा 12.5%, सोल्व करने में 12.5%, 12.5% को हम कितना लिखते हैं, तो 1/8, और ये कमी चल रहा है माइनस, तो ऊपर क्या है कि कमी और नीचे क्या है, वास्तविक खपत, तो इसको हमने बटे में लिखा, तो ये वास्तविक खपत 8 बता रहे हैं, तो पहले था वास्तविक 8 यूनिट मान लेते हैं कि ये जो वास्तविक खपत 8 यूनिट है, और 8 यूनिट पहले किसके बराबर है, तो 280 किलोग्राम के बराबर है, तो 280
किलोग्राम के बराबर है, तो इसे काट देंगे तो एक यूनिट आ जाएगा, तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा 8×3 24 8×4 40 35 किलोग्राम। तो यानी खपत में कमी पता करना है, तो हमें एक यूनिट की कमी करनी है, तो एक यूनिट की कमी यानी तो एक यूनिट 35 आ गया, तो खपत में कितनी कमी होगी, 35 किलो की कमी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन था। दोबारा समझेंगे, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो पहले खर्च मान लेंगे 100 था और चीनी कीमत 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े, तो ये खर्च है ना केवल 5% बढ़े, तो 5% बढ़ने पे 100 कितना जाएगा, 105। तो कितनी कमी की जाए, तो हम देख रहे हैं 120 से 105 बनाना है खर्च, तो 15 की कमी की जाए, 15 पे कमी पे जाने के लिए 120, तो 120 नीचे लिख के गुना 100, ये आ जाएगा प्रतिशत में। ऊपर दिखा रहा है कि 1/8 यानी एक की कमी करनी है, 8 यूनिट पहले था वास्तविक, तो पहले कितना ही खर्च करता था, 280 किलो, तो ये 8 यूनिट हो जाएगा 280 किलो, एक यूनिट कट जाएगा तो 35 किलो, तो यानी एक यूनिट की कमी करनी है तो 35 किलो की कमी करनी है। ठीक है, चीनी में कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, तो वास्तविक खपत ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको भी वैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 100, कीमत में 30% की वृद्धि हो गई, तो खर्च मान लेंगे पहले 100 होते थे और अब कीमत में 30% की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया, 130 हो गया। तो एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है यानी खपत कम कर देता है ताकि खर्च केवल 10% बढ़े, तो खर्च अब कितना जाए, तो बढ़कर 110 यानी 10% बढ़ेगा तो 110। तो यहाँ पे कितने कमी हो गई, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 20 की कमी हो गई, तो 20 की कमी हो गई कितने पे, 130 पर कमी हो गई, ये कट जाएगा तो -2/13 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये -2 यानी ये कमी हो गया और 13 हो गया वास्तविक खपत, यानी पहले इतनी खपत होता था, तो दो ये ऊपर मान लेंगे 2 यूनिट, ये 13 यूनिट, तो ये जो 2 यूनिट है ये कमी है, तो यानी ऐसी 40 किलो भी 2 यूनिट कमी है, तो जो 2 यूनिट है वो 40 किलोग्राम की खपत में कमी बता रहा है, तो ये जो माइनस का निशान है ना कमी, तो ये 40 किलो के बराबर होगा, ये कट जाएगा तो एक यूनिट हो जाएगा 20 किलोग्राम, तो उसकी वास्तविक खपत कितनी है, 13 यूनिट, तो 13×20 यानी हो जाएगा 260 किलोग्राम, तो वास्तविक खपत हो जाएगा 260 किलोग्राम। चीनी की कीमत में 30% कमी की वजह से एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी कीमत में 30% कमी की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो, ताजा खपत यानी जो नया खपत है उसे ज्ञात करना है, इस बार वास्तविक की जगह नया, तो जो कैसे करेंगे इसको, तो पहले मान लेंगे पहले खर्च होता था 100, ठीक है, तो अब क्या हो गया, 30% की कमी यानी अब हो गया 70, ठीक है, पहले 100 था अब हो गया 70, अब वो 32 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है इस कारण, क्योंकि कीमत कम हो गया, तो अब खर्च केवल 16% कम हो, अब ना 16% कम होगा तो खर्च कितना जाएगा, 84, तो इस पे कितने की यहाँ पे कम, मतलब 70 से 84 पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तो यानी बढ़ोतरी होगी खपत में कितनी, 16 यूनिट की, ठीक है, इसमें से इसका अंतर 14 आएगा, सॉरी 14, तो 14 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी कितने पे, 70 पे, ठीक है, तो ये कट जाएगा, 100 गुना करने जरूरत नहीं है, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 7×14 7×70 और ये 2 से कट जाएगा 1/5, तो ऊपर वाला प्लस का है यानी बढ़ोतरी बता रहा है और नीचे आपका वास्तविक खपत 5 आ रहा है। ठीक है, तो वास्तविक खपत 5 आ रहा है। ठीक है, तो अभी बढ़ोतरी 1 की हो रही है, तो 1 की बढ़ोतरी कितने के बराबर है, तो 1 यूनिट की बढ़ोतरी 32 किलोग्राम के बराबर है, तो हमें 5 यूनिट यानी वास्तविक खपत निकालनी हो तो 32×5 हो जाएगा, और अब नया खपत निकालना हो तो नया तो एक बढ़ गया तो नया हो जाएगा 6 यूनिट, तो यानी ताजा खपत है वो 6 यूनिट हो जाएगा, यानी 32×6 6×12 2 हाथ से 192 किलो हो जाएगा। ठीक है, चीनी की कीमत में 20% वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो कम चीनी खरीदता है, तो खर्च 300 रूपए है, मतलब परिवार का खर्चा 300 रूपए है, तो वास्तविक खपत, ताजा नया खपत, वास्तविक मूल्य और ताजा नया मूल्य, इसमें मूल्य भी पूछा जा रहा है, तो मूल्य निकल जाएगा क्योंकि कुल खर्च 300 में दे दिया है। ठीक है,
तो कैसे करते हैं, वैसे ही करते हैं। मान लेते हैं कि शुरू में खर्च कितना था 100, तो चीनी के कीमत में 20% वृद्धि हो गई, तो यानी अब कितना हो गया 120। इससे परिवार 12 किलो कम चीनी खपत करता है, तो इसमें ना अब ऊपर जाना है, ठीक है, पुराने वाले पे जाना है, तो यानी 120 से 100 पे जाओगे तो 20 की कमी हो गई, तो 20 की कमी कितने पे हो गई, 120 पे हो गई, तो ये कट जाएगा, तो 2 × 1 = 2, 3 = 6, तो यानी 1 की क्या हो गई, कमी हो गया, और वास्तविक खपत क्या हो गया, 6 यूनिट हो गया। अब वो जो कमी है ना, वो 12 किलो कम चीनी खरीदता है, तो ये जो ऊपर 1 है ना, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 12 किलो, तो उसकी वास्तविक खपत पता करनी थी, तो वास्तविक खपत हमें पता है 6 यूनिट, तो यानी 6 यूनिट यानी 6 × 12, तो 12 × 6 = 72 किलो। अब वास्तविक मूल्य पता करना है, तो पहले वास्तविक मूल्य निकालने के लिए क्या था, 300 रुपए खर्चा, और वास्तविक खपत थी 72 किलो, ठीक है ना, तो इससे आप काट दोगे तो ये जाएगा 4 × 1/6 रुपए/किलो, ये हो गया पहले का वास्तविक मूल्य या कीमत, ठीक है। ऐसे ही अगला है कि ताजा खपत यानी नया खपत, तो नया खपत क्या है, 1 की कमी हो रही है, तो नया खपत हो जाएगा 5 × 1 = 12, तो यानी 60 किलो, तो 60 किलो जाएगा ताजा खपत। और अब निकालेंगे ताजा मूल्य, तो अब 300 रुपए अभी भी खर्च होगा, लेकिन अब 60 किलो पे, ठीक है, तो भाग देंगे तो 5 रुपए/किलो हो जाएगा, ठीक है। चावल की कीमत में 10% कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम ज्यादा चावल खरीदता है, प्रारंभिक खपत ज्ञात करो, ये आप खुद करेंगे और ये आपका आंसर देगा 450 ग्राम, ठीक है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है और 20,000 तो और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपनी कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपए जमा करवाता है तो सेल्समैन द्वारा क्वेश्चन ना थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है, इसको एक्स मान के करते हैं। तो मान लेंगे, माना कुल बिक्री एक्स है, तो कमीशन कितना जाएगा, तो कमीशन मिलता है 9%, तो यानी 9x/100। बोनस कितना मिलेगा, तो भाई 20,000 से ज्यादा बिक्री होगी, जब तो बिक्री जब एक्स है वो 20,000 से ज्यादा होगी, तो 20,000 कम कर दो तब ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा होने पर उसे कितना 1% मिलेगा बोनस, ठीक है। तो अब उसकी आय कितनी हो जाएगी, तो आय हो जाएगा या आमदनी हो जाएगा कमीशन जमा बोनस, दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कमीशन 9x/100, बोनस ये गुना हो जाएगा तो x/100, और ये इससे गुना हो जाएगा तो 20,000/100, और अब ये बराबर हो जाएगा कितना, तो उसे ये अच्छा इतना सोल्व करने के बाद उसकी आय आ जाएगी, ठीक है ना, तो 9 में से ये गया तो जाएगा 8, ठीक है ना, 8x/100, तो ये जाएगा 10x/100, और घटा ये कट जाएगा तो 200, ये भी 0,0 कट जाएगा, तो x/100 / 200 ये हो गई आय। तो अब हमें क्या निकालना है कि कुल बिक्री में से अगर हम आय घटा दें तो क्या आएगा कि जो उसने कंपनी को पैसे लौटाए, ठीक है ना, तो यानी लौटाया गया पैसा या कंपनी में जमा किया गया पैसा आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि कुल बिक्री x था, उसमें से उसकी आय वो अपना काट लिया, यानी x/100 - 200 उसने काट लिया, काटने के बाद उसने कंपनी को कितना लौटाया, तो 63,200 रुपए उसने लौटाया। अब इसको सोल्व कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा आपका 70,000 रुपए, ठीक है, तो बिक्री हो जाएगा आपका 70,000 रुपए।